इंडिपेंडेंट कैंडिडेट में हूँ, कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ यहाँ से, वार्ड नंबर 41 से मैं, मुखदुम साहिब से। तो इट्स बिग अनफॉर्चुनेट, यहाँ पे देख रहा हूँ मैं हाल, जो मैं देख रहा हूँ यहाँ देखो मशीन्स का हाल है, सारे मशीन्स बैठे हुए हैं, तो मशीन्स पे काम भी नहीं चल रहा। डीसी साहब भी आए थे अभी आप लोगों के सामने, पहले भी आए थे, उन्होंने भी देखा क्या हाल है, लेकिन मशीन नहीं चल पाई। ऑलरेडी वोट पाल हुए थे, उसमें 52 वोट्स पाल हुए थे और टोटल वोट वहां पे है 1260 वोट है उस टाइम, लेकिन अनफॉर्चुनेट क्या करें, लोग तीन तीन चार चार घंटे से अभी भी लोग वेट कर रहे थे और हम वोट डालेंगे, लेकिन डाल नहीं पाए वो वोट। ये बदकिस्मती है हमारी, ये समझ लें। और ये मैं कुछ नहीं कह सकता, शायद रिपोलिंग इसमें कुछ दिनों में हो जाएगी, या 2016 को आई थिंक हो जाएगी इसमें रिपोलिंग। करो साहब, मिलिटेंसी का थ्रेट आमतौर ये देखा गया कि बार बार इलेक्शन के दौरान, देखिए बात सुनिए, ये तो देखो हम अगर उतरे तो एक तोड़ के लिए मैं उतरा हूँ, स्पेशली बीजेपी को तोड़ में आया हूँ, आरएसएस बीजेपी के तोड़ के लिए मैं उतरा हूँ इसमें, नहीं तो मेरा ये स्टेटस नहीं था, मैं असेंबली इलेक्शन करने वाला था, लड़ने वाला, नहीं तो मेरी अपनी जो वार्ड की रिजर्व सीट थी वो तो अनफॉर्चुनेट मैं नहीं लड़ पाया वहां पे अपने वार्ड में, लेकिन इस वार्ड में मैं आया इसलिए मैं शायद इन लोगों की खिदमत करूं यहाँ। तो आपका कौन सा वार्ड आता है सर? जी मेरा वार्ड तो अपना शहीदगंज था, 22 मेरा वार्ड तो बटमालो काना चुन से आ रहा है। तो आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? लेकिन पूरा होप है मुझे भी, क्यों नहीं, आई एम ह्यूमन बीइंग, एक्सपीरियंस पर्सन हूँ इस मामले में, मैं 25-30 साल से सियासत में हूँ और 30 साल में ये भी तो नहीं मुझे वो नॉलेज है, मुझे करना क्या है इनके लिए, इन लोगों के लिए कैसे चलाना है। अगर न्यू कोई कमर है, अगर मुझसे अच्छा है चलाने वाला, ठीक है मैं उसके सपोर्ट कर लूंगा, अच्छी बात है, लोगों को डेवलप करेगा यहाँ, हेल्प करेगा, मुझे खुशी हो जाएगी इस बात की। आरो खबरें अपडेट पेते सब्सक्राइब करूँ यूट्यूब चैनल और बेल आइकने क्लिक करूँ नोटिफिकेशन पेते।